हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन। सो टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को हमें डिस्कस करना है, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन डिस्कस करना है स्पाइनल कॉर्ड का। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रल कॉलम के न्यूरल कैनल में। तो वर्टिब्रल कॉलम में जो ये बोन्स होते हैं जिसको हम वर्टिब्री बोलते हैं, तो वर्टिब्री के अंदर ये जो कैनल होता है, छोटा सा कैविटी होता है जिसको बोलते हैं हम न्यूरल कैनल, उसके अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम देखें तो रॉड शेप स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है जो कि यहां से रन कर रहा है इन बिटवीन द न्यूरल कैनल। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड का अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, अगर हम इसको ट्रांसवर्सली कट करते हैं तो हमको कुछ इस तरीके से देखने मिलेगा सर्कुलर पार्ट। ठीक है, तो यही हमने यहां पे ड्रॉ किया है, दैट इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अगर इसको आप ऐसे निकालोगे बाहर और ऐसा करोगे सो ये रॉड शेप दिखेगा, बट हमने इसको इस तरीके से यहां पे ड्रॉ किया है, यानी ये वाला पार्ट हमने ड्रॉ किया है ट्रांसवर्स सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। ठीक है, सो अभी हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को देखते हैं तो इट इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ड्यू टू द नैरो पोस्टीरियर फिशर एंड ब्रॉड एंटीरियर फिशर। तो हमको लगता है हम जब देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड को तो स्पाइनल कॉर्ड एक डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट स्ट्रक्चर है, मतलब डॉर्सल साइड यानी पीछे से भी फ्लैट है और आगे एंटीरियर साइड यानी वेंट्रल साइड से भी फ्लैट है। तो दोनों साइड से ये फ्लैट है हम बोल रहे हैं। ठीक है, हमने क्योंकि इसको क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया है, अगर हम इसको ऐसा सीधा करते हैं तो ये आगे से भी फ्लैट है, पीछे से भी फ्लैट है, मतलब ऐसा ओवल शेप ये स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। तो इट इज अ फ्लैट, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट स्ट्रक्चर। और क्यों हुआ है फ्लैट, क्योंकि यहाँ पे एंटीरियर साइड यानी आगे के साइड, ये आगे की साइड होगी एंटीरियर साइड, ये पोस्टीरियर यानी पीछे की साइड होगी डॉर्सल साइड। ठीक है, इसी को वेंट्रल साइड भी बोलेंगे, एंटीरियर साइड भी बोलेंगे, या आगे की तरफ होती है, और दूसरी हम बोलेंगे पोस्टीरियर और डॉर्सल साइड जो पीछे की तरफ होती है। ठीक है, सो इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम ऐसे बाहर निकाल के ऐसे रखते हैं तो एंटीरियर साइड आगे और पोस्टीरियर साइड यानी पीछे। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्योंकि ये क्यों डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट दिखाई देती है हमको, तो एंटीरियर साइड में भी इसमें एक फिशर है जिसको हम बोलते हैं दैट इज एंटीरियर मीडियन फिशर, और एंटीरियर मीडियन फिशर जो है वो थोड़ा ब्रॉड है। ठीक है, ब्रॉड डिप्रेशन हमको दिख रहा है, वही पे पीछे पोस्टीरियर साइड से यानी डॉर्सल साइड से भी यहां पे एक फिशर है, बट ये ज्यादा डीप नहीं है। ठीक है, ये कम डीप गया है, और ये भी हम देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड को पुश कर रहा है टुवर्ड्स द इनसाइड। ठीक है, तो जिसके वजह से हमें स्पाइनल कॉर्ड ऐसे डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड दिखाई देती है, फ्लैट दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बोलते हैं सेंट्रल कैनल जो होता है प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड में, और इट इज लाइंड बाय एपेंडाइमल सेल एंड फिल्ड विद CSF। तो स्पाइनल कॉर्ड का अगर हम सेंट्रल पार्ट देखते हैं तो दैट इज द सेंट्रल कैनल। ठीक है, और सेंट्रल कैनल के अंदर एपेंडाइमल सेल्स होते हैं, मतलब ये सेंट्रल कैनल के आजू-बाजू में पूरे एपेंडाइमल सेल्स होते हैं, अंदर से अंदर की लाइनिंग। ठीक है, और यही एपेंडाइमल सेल जो है वो हम देखते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिक्रीट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये जो सेंट्रल कैनल के अंदर CSF होता है, इसके अंदर CSF होता है, और ये CSF कौन सिक्रीट करता है, एपेंडाइमल सेल सिक्रीट करते हैं। हमने पढ़ा था कोरोइड प्लेक्सस में भी हमने पढ़ा था कि एपेंडाइमल सेल ही सिक्रीट करते हैं CSF। ठीक है, और यहाँ पे भी हम देखते हैं इसकी लाइनिंग एपेंडाइमल सेल से बनी है, तो यहाँ पे एपेंडाइमल सेल जो है CSF सिक्रीट करते हैं, और ये प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेंट्रल कैनल। ठीक है, न्यूरल कैनल और सेंट्रल कैनल में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। न्यूरल कैनल वर्टिब्रा जो है उसके बीच में जो कैविटी है जहां से स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही है उसको हम न्यूरल कैनल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बीच में एक और छोटी कैविटी है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड अंदर से खोखली है, हॉलो है, तो वो जो कैविटी है स्पाइनल कॉर्ड के बीच में उसको सेंट्रल कैनल बोला जाता है। ये दोनों डिफरेंस आप अच्छे से ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं द ग्रे मैटर इज इनसाइड व्हाइल द व्हाइट मैटर इज आउटसाइड। तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है कि ग्रे मैटर जो है वो अंदर के साइड में प्रेजेंट होता है और व्हाइट मैटर जो है वो बाहर के साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जस्ट अनलाइक द ब्रेन, अनलाइक यानी ब्रेन के ठीक अपोजिट। तो ब्रेन में हमने सेरेब्रम सेरेबेलम पढ़ा जिसमें हमने देखा ग्रे मैटर आउटसाइड होता था और व्हाइट मैटर साइड होता था। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमने पॉन्स मेड्यूला और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा, पॉन्स वेरोलाय मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड, इन तीनों में ग्रे मैटर इनसाइड है और व्हाइट मैटर बाहर के तरफ है, तो ये ब्रेन से ठीक अपोजिट है। ठीक है, सेरेब्रम से अपोजिट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गया नेक्स्ट, ग्रे मैटर अरेंज इन एच शेप और बटरफ्लाई शेप मैनर। तो ग्रे मैटर जो हमारा होता है वो एक एच शेप स्ट्रक्चर, एच अल्फाबेट में ये अरेंज होता है, ये आपको एच अल्फाबेट दिख रहा होगा। ठीक है, या बटरफ्लाई शेप मैनर में ये अरेंज होता है, बटरफ्लाई के विंग्स लाइक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये एच शेप मैनर में यानी एच अल्फाबेट के शेप में ये अरेंज होता है इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड, ग्रे मैटर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रे मैटर जो है वो डिवाइड होता है डॉर्सल हॉर्न में, लैटरल हॉर्न में और वेंट्रल हॉर्न
हॉर्न में। तो यहाँ पे 6 हॉर्न्स डेवलप होते हैं, हॉर्न्स यानी सींग लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं यहाँ पे। 2 आर द डॉर्सल हॉर्न। डॉर्सल हॉर्न क्यों? क्योंकि वो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है, यानी पिछले साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। एंटीरियर हॉर्न यानी आगे के साइड में 2 हॉर्न प्रेजेंट है, और 2 लैटरल हॉर्न जो साइड में ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे 6 हॉर्न्स डेवलप होते हैं यहाँ पे, 2 डॉर्सल, 2 लैटरल एंड 2 वेंट्रल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में, व्हाइट मैटर इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 6 कॉलम। अब व्हाइट मैटर भी 6 कॉलम में डिवाइड होता है, ठीक है, जिसमें से आते हैं 2 डॉर्सल कॉलम, ठीक है, ये डॉर्सल कॉलम जिसको डॉर्सल फनिक्यूलाई बोला जाता है, 2 लैटरल कॉलम जिसको लैटरल फनिक्यूलाई बोला जाता है, दिस वन, एंड 2 वेंट्रल कॉलम जिसको वेंट्रल फनिक्यूलाई बोला जाता है, ठीक है। तो हम कॉलम को फनिक्यूलाई बोलते हैं यहाँ पे। सो 2 डॉर्सल फनिक्यूलाई, 2 लैटरल फनिक्यूलाई एंड 2 वेंट्रल फनिक्यूलाई। सो नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं यहाँ पे, हॉर्न्स एक्सटेंड आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एज अ डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट, ठीक है। तो जो हॉर्न्स होते हैं यहाँ पे वो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकल आते हैं अभी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट। तो जो हमारे डॉर्सल हॉर्न्स हैं वो बाहर निकल आते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर जो स्पाइनल कॉर्ड के बाहर निकलता है अभी उसको हम बोलते हैं डॉर्सल रूट, और जो वेंट्रली बाहर निकलता है वेंट्रल हॉर्न्स से उसको हम बोलते हैं वेंट्रल रूट, ये स्ट्रक्चर जो बाहर निकल रहा है, ठीक है। सो हॉर्न्स एक्सटेंड आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जो हॉर्न्स होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के बाहर एक्सटेंड हो रहे हैं इनटू द फॉर्म ऑफ डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट। नेक्स्ट, डॉर्सल रूट कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द स्पाइनल कॉर्ड बाय यूनिपोलर सेंसरी न्यूरॉन। तो ये जो डॉर्सल, ये हमें डॉर्सल रूट जो दिखाई दे रहे हैं, ये डॉर्सल रूट क्या करते हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड तक लेके आते हैं बाय यूनिपोलर सेंसरी न्यूरॉन्स। तो सेंसरी न्यूरॉन जो यूनिपोलर यानी एक ही डायरेक्शन में रन कर रहे हैं फ्रॉम बॉडी टू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड के डायरेक्शन में ये न्यूरॉन रन कर रहे हैं और ये सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये डॉर्सल हॉर्न में कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है, सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो डॉर्सल हॉर्न इज रिसीविंग द सेंसरी इंफॉर्मेशन बाय डॉर्सल रूट्स, ठीक है। तो डॉर्सल रूट्स से सेंसरी इंफॉर्मेशन डॉर्सल हॉर्न में आ रही है, और डॉर्सल हॉर्न से अब यहां पे जा रही है इंफॉर्मेशन, ठीक है, लैटरल हॉर्न्स की तरफ, या हम बोल सकते हैं इंटरमीडिएट न्यूरॉन की तरफ, या इंटर न्यूरॉन की तरफ, ठीक है, या एसोसिएशन न्यूरॉन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि डॉर्सल रूट जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन कैरी करता है, ठीक है, बाय सेंसरी न्यूरॉन। और नेक्स्ट अब आता है एसोसिएशन और इंटर न्यूरॉन जो कि लाई करते हैं इनटू द ग्रे मैटर एंड इंटीग्रेट ऑल द सेंसरी इंफॉर्मेशन। तो अब ये सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो हम देखते हैं ग्रे मैटर में जाती है, जहां पे एसोसिएशन न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, और ये न्यूरॉन क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं या इंटीग्रेट करते हैं, पूरे तरीके से एसोसिएट करते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग एक मोटर सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो मोटर सिग्नल प्रोड्यूस होता है वो वेंट्रल रूट के जरिए कैरी होता है फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द बॉडी, ठीक है। सो वेंट्रल रूट कैरीज मोटर रिस्पॉन्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द बॉडी, ठीक है। तो डॉर्सल रूट से सेंसरी इंफॉर्मेशन आएगी, एसोसिएशन न्यूरॉन में यानी ग्रे मैटर में जो एसोसिएशन न्यूरॉन है वो उसको इंटीग्रेट करेंगे, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग एक मोटर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और ये मोटर रिस्पॉन्स किसके थ्रू जाएगा, अब वेंट्रल रूट के थ्रू। तो वेंट्रल रूट हमारा मोटर रिस्पॉन्स लेके जाता है, ठीक है। और ये जो ग्रे मैटर होता है यहाँ पे, ये ग्रे मैटर इसमें एसोसिएशन न्यूरॉन होते हैं, ठीक है, इसमें एसोसिएशन न्यूरॉन होते हैं जो कि क्या करते हैं, बोला हमने, इंटीग्रेट करते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड में रिफ्लेक्स एक्शन शो होती है, वो हम आगे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन कैसे शो होती है, सबसे पहले तो सेंसरी स्टिम्यूलस आता है, ये सेंसरी स्टिम्यूलस का यहाँ पे एनालिसिस होता है एसोसिएशन न्यूरॉन पे, और फिर वेंट्रल न्यूरॉन से यानी वेंट्रल रूट से हम देखते हैं कि यहाँ पे मोटर न्यूरॉन के थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू सारी मोटर इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, और हमारे बॉडी जो है, ऑर्गन जो है, वो एक्शन शो करते कोई ना कोई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लैटरल हॉर्न्स हैव न्यूरॉन्स ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो लैटरल हॉर्न्स जो होते हैं, ये जो लैटरल हॉर्न्स हमें दिखाई दे रहे हैं उसमें ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स होते हैं, बेसिकली वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाइट मैटर जो अब होता है, ये जो आजू बाजू का जो भी व्हाइट मैटर होता है जिसको हम बोलते हैं दैट इज डॉर्सल फनिक्यूलाई, दो
व्हाइट मैटर के कॉलम को, फिर लैटरल फनिकुलाई एंड वेंट्रल फनिकुलाई, ठीक है। सो दैट व्हाइट मैटर कंसिस्टिंग ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर कंटेनिंग द बंडल ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं व्हाइट मैटर में, यहाँ पे बेसिकली माइलिनेटेड नर्व होता है, सारे नर्व जिनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट है, इसी वजह से तो ये व्हाइट मैटर में दिख रहे हैं हमको, ठीक है। सो माइलिनेटेड नर्व होता है और उनमें नर्व की ट्रैक्ट होती है, कुछ ट्रैक्ट असेंडिंग है यानी ऊपर की तरफ जा रही है और कुछ ट्रैक्ट डिसेंडिंग है यानी नीचे की तरफ जा रही है। तो जो असेंडिंग ट्रैक जा रही है हमारे इसमें से, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक कैसे दिखेगी इसमें, तो ये ऐसे दिखेगी सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। बेसिक सी बात है, हमने क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया है तो हम इसको ऐसा निकालेंगे, ऐसा बाहर निकाल के जब ऐसा सीधा करेंगे तो ये भी रॉड्स दिखेंगी, असेंडिंग ट्रैक की रॉड सीधी जा रही है और डिसेंडिंग ट्रैक की रॉड जो सीधी नीचे जा रही है, ठीक है। तो असेंडिंग ट्रैक की रॉड जो है, असेंडिंग नर्व जो है वो ब्रेन तक जाती है, ठीक है, सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है, और डिसेंडिंग ट्रैक जो होती है वो ब्रेन से सारी मोटर रिस्पांस को लेके आती है। तो हमारे बॉडी में हम जो भी स्टिमुलस या सिग्नल फील करते हैं वो ब्रेन तक भी जाता है, और ब्रेन तक तो कैसे जाता है, पहले सारे नर्व से स्पाइनल कॉर्ड में जाता है और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में कौन से ट्रैक के थ्रू जाता है, असेंडिंग ट्रैक के थ्रू सेंसरी इंफॉर्मेशन जाता है, ब्रेन उसको एनालाइज करता है और ब्रेन एक मोटर रिस्पांस सिक्रीट करता है, मोटर रिस्पांस सिंथेसाइज करता है, जो कि हम देखते हैं कि हमारे ऑर्गन्स को एक्शन करने के लिए अलाउ करता है कि भाई अभी ऐसी सिचुएशन है, सो यू हैव टू एक्ट लाइक दिस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हाइट मैटर जो है वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर से बना होता है और ये बेसिकली इसमें बंडल्स होते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग नर्व ट्रैक्ट के, ठीक है। तो हमने देखा असेंडिंग ट्रैक जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन, तो असेंडिंग नर्व ट्रैक जो है वो कैरी करेगा सेंसरी इंफॉर्मेशन को फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन, और डिसेंडिंग ट्रैक जो है वो कैरी करेगा मोटर रिस्पॉन्स को फ्रॉम ब्रेन टू द वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो हम देखते हैं कि जो भी डिसेंडिंग नर्व कॉर्ड है या नर्व ट्रैक्ट है वो ब्रेन से सारी मोटर रिस्पांस लेके आएगी, और ये मोटर रिस्पांस अब ब्रेन से होते हुए कहां पे जाएगी, दैट इज डिसेंडिंग ट्रैक, और डिसेंडिंग ट्रैक से अब ये कहां पे जाएगी, वेंट्रल रूट्स में, और वेंट्रल रूट से अब ये रिस्पांस जो है बाहर निकलेगा, क्योंकि हमने देखा वेंट्रल रूट मोटर रिस्पांस भी कैरी कर रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे ब्रेन में जो भी सिग्नल जाता है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाता है, और कैसे जाता है, बाय असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व ट्रैक। तो असेंडिंग ट्रैक सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेके जाती है और डिसेंडिंग नर्व ट्रैक जो है वो मोटर रिस्पांस को ब्रेन से कैरी करके बॉडी तक पहुंचाती है। तो यहां पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर जो है ट्रांसवर्स सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो फंक्शन क्या है, सबसे पहला फंक्शन इसका, इट शोस द रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन शो करती है। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जो क्विक रिस्पांस हमारी बॉडी शो करती है किसी भी एक्सीडेंटल कंडीशन में, तो वो होता है दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, वो हम देखेंगे डिटेल में आगे उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट प्रोवाइड्स पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ सेंसरी एंड मोटर नर्व टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। तो ये एक पाथवे प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू ब्रेन के पास नर्व सिग्नल आता है और ब्रेन से जो है सिग्नल जो है पूरे बॉडी में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट प्रोवाइड्स नर्वस कनेक्शन टू द बॉडी पार्ट। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है ब्रेन को पूरे बॉडी पार्ट से कनेक्ट करता है, ठीक है। हमारे सारे बॉडी पार्ट्स के जो नर्व्स है वो डायरेक्टली ब्रेन में नहीं कनेक्ट होते, वो कनेक्ट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड फिर कनेक्ट होता है ब्रेन से। तो वो हमारे ब्रेन और बॉडी के बीच में कनेक्शन फॉर्म करवाता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सो यहां पे हमारा जो वीडियो लेक्चर है पूरे तरीके से खत्म हो जाता है दोस्तों। आई होप वीडियो लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आते ही पाते रहिए। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।